सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लैब। आइए देखते हैं आज की खास खबर। दो दोपहिया सवार युवकों का अजनी परिसर में आतंक। राह चलते मोबाइल पर बात करने वाले तीन युवकों के हाथों से मोबाइल फोन व सोने की चेन छीनकर दो दोपहिया सवार फरार हो गए। यह घटना गुरुवार की रात करीब 9:15 पर अजनी इलाके में हुई है। राह चलते मोबाइल पर बात करने वाले तीन युवकों के हाथों से मोबाइल फोन व सोने की चेन छीनकर दोपहिया सवार फरार हो गए। गुरुवार की रात करीब 9:15 के दरमियान घटित हुई इस घटना के बाद अजमेर पुलिस सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के आधार पर अज्ञात आरोपियों की तलाश कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अजनी परिसर के भगवान नगर ग्राउंड में फरियादी अभिषेक फूल सिन्हा चंदेल ओमकार नगर निवासी पैदल जा रहे थे। उसी दौरान उनके पीछे से एक दो पहिया गाड़ी पर सवार होकर दो युवक आए और उनके गले से सोने की चेन तथा उनके हाथ से मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। मोबाइल और सोने की चेन की कुल कीमत 30,000 रुपए बताई जा रही है। इसके बाद आरोपियों ने अंकित रविंद्र सांडे इमामबाड़ा जाड़त रोडी निवासी को भी अपना शिकार बनाया। इन दोनों आरोपियों ने क्रीड़ा चौक के पास अंकित के पास से मोबाइल से जिसकी कीमत 11,000 छीन कर फरार हो गए। यहां से तो आरोपी टुकड़ोजी पुतला की तरफ आगे बढ़े। वहां पर मोबाइल फोन पर बात करते हुए पैदल जा रहे प्रवीण निकेश मालेकर के हाथ से भी उनका 9,000 कीमत का मोबाइल फोन छीनकर आरोपी फरार हो गए। इन घटनाओं की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है और आगे की जाँच जारी है। इसी के साथ खास खबरों को यही विराम देते हैं। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार।